मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधाने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में, ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। और भाई की हाल है शेरिया? ओ संतिया की गल, नवा ट्रक नवे कपड़े, आज खुशी बड़ा नजर आ रहे। पहला तो बड़ा दुखी नजर आ रहा। हाँ यार, पहला तो मेरा आत्महत्या करने जी करता सी। मेरा मालिक मैनू बड़ा डांटता सीगा ते मैनू पैसे भी पूरे नहीं देंदा सी। फिर एक दिन मैं परम गुरु आशु भाई गुरु जी कोल गया। तो फिर की होया? उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुन के मैनू आ रतन दिता। फिर की सी, अज मेरे को नवा ट्रक नवे कपड़े ते मेरे को पैसा भी बहुत है। वाह भाई वाह, मैनू ला चल आशु भाई गुरु जी को। क्यों नहीं वीरे, तेन भी मैं ले चलना आशु भाई गुरु जी दे कोल। ओ सारे ने कष्ट मिटा देंदे ने। आशु भाई गुरु जी की कृपा नाल अज मेरे को ट्रक कपड़े पैसा सब कुछ हो गया। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिषीय सुपरहिट प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपके जीवन की वो बातें जो आपके लिए शुभ हैं और बहुत अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने जाना है कि हम कैसा कर्म करें ताकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहे? हम बहुत सी दफ़ा ना बहुत सी चीज़ों को ऐसा समझते हैं कि इनसे क्या लाभ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, और इसलिए हम कई बार देखते हैं जैसे उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी उपवास हमारी लाइफ के लिए जीवन दयनीय है, जीवन देने वाला है, और उसे हम कई बार ऐसे समझते हैं क्या हुआ। आप सोचो, कोई भी चीज़ लगातार काम करती रहेगी तो उसका क्या रूप रहेगा? और आप सोचो कि अगर किसी चीज़ को रेस्ट मिलेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। कहते हैं जीवन में जब हम कोई गलत आहार खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा शरीर ज़्यादा काम करता है, और काम करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जैसे चिप्स खाते, कोई भी चीज़ ऐसी जो पैकेट्स में है, चाहे वो जूस है चाहे कुछ भी चीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आजकल तो आप जानते हैं कि लोग इतने ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं कि नकली घी बना लेते हैं, नकली तेल बना लेते हैं, फ्रूट्स पर वैक्स के एक लेयर चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा सेब ना एप्पल, कहते हैं आप रोज़ एक सेब खाइए, स्वास्थ्य की गारंटी है,
लेकिन आप सेब की कहानी सुनोगे तो आपको कैसे खाएंगे। सेब पर वैक्सीन की एक लेयर चढ़ी होती है जिससे वो ख़राब नहीं होता, लंबी आयु होती है, अच्छा चमकदार दिखता है। और बिना धोए या बिना उसके छिलके को उतारे अगर हम उसे खा लेते हैं तो संभव है कि हमें कोई भयंकर बीमारी हो जाए, जैसे कैंसर है, जैसे कुछ भी ऐसी बीमारी हो जाए जो जाने का नाम ले। लेकिन क्या है, हमारे जो प्रियजन हैं, जो लोग हैं, वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बेईमानी करते हैं। और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो भी कुछ किया जाता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, नकली पनीर बनाया जाता है, सुना है नकली अंडे भी आ गए हैं, नकली चावल आ गए। आप कैसे जीवन को बचा सकते हैं, क्या गारंटी ले सकते हैं जब खाने वाली चीज़, कहते हैं जब बचाने वाला ही मारने लगे तो कैसे बचोगे आप जीवन में, क्या उसका श्रेय होगा और कैसे होगा। सबसे पहले तो ये है कि हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी नहीं है, हर आदमी अपना काम करता है, कैसे न कैसे मेरे पास पैसे आए, दूसरे भाड़ में जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, जब ज़्यादा हो जाती है ना कोई बात, कहते हैं हद से ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में भी जब ज़्यादा हो जाएगी कोई चीज़, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको दिक्कतें आने लगेंगी। और दिक्कतें भी ऐसी आने लगेंगी कि आप सोचेंगे ये मैंने किया तो क्यों किया, लेकिन जब तक बड़ी देर हो जाएगी। आप जीवन में क्या करते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। पहले पड़ोसी का सोच लेते थे, अब उसका भी नहीं सोचते। अगर पहले शादी ब्याह में खाना बच जाता था तो पड़ोस में बांट दिया जाता था, आज बांटने जाओ तो कहेगा नहीं नहीं भैया ये हम खाते नहीं हैं, फिर क्या करोगे। आज हम किसी को कुछ देने जाएं तो वो 50 बातें पूछेगा, कब का है, बासी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, क्या दोगे और क्या लोगे। और एक बात जीवन में और है, जो आपकी आदत है वही आपका जीवन है। आपकी आदत पड़ी है आप लेट उठते हैं, आपकी आदत है आप रात को देर तक जागते हैं, आपकी आदत है कि आप जल्दी सो जाते हैं, आपकी आदत ही आपका जीवन बन जाती है। बातें करते करते लंबा टाइम हो गया, खाना खाते खाते लंबा टाइम हो गया, खाना खाते खाते 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, फिर खा लिया, फिर खा लिया, कैसे स्वस्थ रहेंगे आप। लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे तो। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का फर्क होना चाहिए। अगर 3 घंटे का डिस्टेंस रहता है तो ये समझ लो जैसे कोरोना से डिस्टेंस रखते हैं और स्वस्थ रहते हैं ना, सेफ रहते हैं। बस खाने और सोने में अगर डिस्टेंस रखते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, नाइट वॉक करते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन क्या है आजकल, क्या है, एक बार आपको किसी चीज़ की लत लग जाए, क्या मैं मोटा हूँ अब पतला होना चाहता हूँ, रात दिन भाग दौड़ करेंगे, जब 2-3 महीने हो जाएंगे अरे कुछ हो तो रानी है, छोड़ देंगे आप। जब मिलने का टाइम आता है जब भी आप छोड़ देते हैं, जब कुछ प्राप्ति का समय आता है जब भी छोड़ देते हैं आप। और इस तरह छोड़ देते हैं कि भाई बहुत सारे बहाने आ जाते हैं, अब टाइम नहीं है, अब वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है। मैं कहता हूँ सारे काम हैं लेकिन स्वस्थ रहना भी तो बहुत ज़रूरी है। अरे जियोगे नहीं, जियोगे ही नहीं तो जियोगे कैसे, जागोगे नहीं तो सोओगे कैसे। और याद रखना, जो जीवन में ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हम पर भारी पड़ने लगता है। आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा हैं, ज़्यादा एक्टिव है, दिक्कत है लोगों के लिए, लोग कहते हैं तो हमारा भी काम कर देता है, ज़्यादा आलसी है, ऐसा लगता है कि आप अपना ही काम नहीं कर पाते हैं। अब ज़्यादा तो कहीं पर भी कोई ना कोई चीज़ गलत है। और याद रखना, जब ज़्यादा कहीं पर भी गलत है तो ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, जितना आपको बर्दाश्त हो उतना काम करें।
लेकिन याद रखें किसी न किसी की बात ज़रूर माने, चाहे माँ के, चाहे पापा के, चाहे दोस्त के। एक बात ध्यान से सुन लो, दोस्ती बिगाड़ता है। आपके दोस्ती कैसे है यही जीवन में रंग लाती है। दोस्त तो आज कह देगा यार पी ले यार, मेरा बर्थडे यार, एक घूट मार ले, पी ले, पी लोगे। कल किसका बर्थडे है, परसों किसका बर्थडे है, आप कहोगे यार चल आज बर्थडे नहीं, आज एंजॉय करते हैं। ये एंजॉय इतना महंगा पड़ जाता है कि आप कहते हैं कि अब तो भविष्य में कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते फिर आप कोई इंतजाम करते हैं, उधार लेते हैं, जुगाड़ बनाते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं। सारा दिन इस चीज़ के दिमाग में रहता है कि शाम को बोतल कैसे आएगी। किसी न किसी को चूना लगाने की ताक में रहते हैं, यार चल फलाने को बुला ले, उसको कहते हैं यार कुछ, चल यार बहुत दिन से मिला नहीं है, आज पार्टी हो जाए। बात तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सब कुछ गलत है, क्योंकि घर वाले आपको समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, मानते नहीं हैं। क्या है मम्मी, जब भी मैं कुछ खाता पीता हूँ आप टोकते हो, ले ये और पंगा हो गया। क्या है मम्मी, दोस्तों के साथ बैठूं भी ना, अकेला घर में रहूं, घुट जाऊं, ले। बात घूम फिर के जो समझाने वाला उसे आप समझा देते हैं और ऐसा समझा देते हैं कि वो बोलती बंद हो जाती है। आप कहते हैं कि मैं काम पे ना जाऊं, पार्टी वहां होगी तो मैं क्या करूं? अरे ऑर्डर नहीं मिलता है, ऑर्डर तो किसी न किसी तरीके से मिलता है, क्या बोलेंगे आप? जीवन में जीने की कला आपसे ज़्यादा कौन जानता है? और जीवन में जीने की कला जब आप जानते हैं तो आप हर चीज़ को जानते हैं, क्योंकि आप में से ही कोई ऐसा है जो समझाता भी है, अरे यार ये काम मत कर। लेकिन किस्मत ऐसी चीज़ है कि जब भी आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो किस्मत आपको बुला लेती है, आजा भाई। इसकी तो बहुत सारी तस्वीर आपने देखी होगी। और जो लोग नतमस्तक होते हैं किसी मंदिर के, किसी गुरुद्वारे के, किसी दरगाह के, किसी जगह के बाहर, उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल जाता है। आपको भी अच्छा रास्ता मिले, आपके जीवन में भी सुधार हो और आपका भविष्य अच्छा रहे, हम लोग यही दुआ करते हैं। हम लोग यही परमात्मा से मंगल कामना करते हैं कि आप में ऐसी कृपा आए कि आप लोगों को कृपा देने वाले बने, लोगों को समझाने वाले बने कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे सब। चलिए सब छोड़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं और क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद हो, आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका है जी। हाँ प्रियंका जी, आप क्या जानना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल बिनागुड़ी से बोल रही हूँ गुरुजी। ठीक है बेटी, ये भी बताएं कि आप कब से हमारा प्रोग्राम देखते हैं? गुरुजी वैसे तो हम 2012 से जुड़े हुए हैं पर 14-15 में दो बार आपके पास आए थे। ठीक है, आप शुरू से वेस्ट बंगाल से हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? नहीं गुरुजी, हम सरकारी जॉब में फौज में तो पोस्टिंग थी, पोस्टिंग है इधर। ठीक है, सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? अपने पति के बारे में जी। उनका पूरा नाम बताएं और समस्या बताएं क्या है। गुरु जी उनका नाम सत्येंद्र कुमार है। प्रश्न करें। गुरु जी जैसे नौकरी पे जाते हैं 5-6 महीने हो जाते हैं, कहीं पोस्टिंग होते तो उनके साथ कोई ना कोई पंगा हो जाता है गुरु जी। ठीक है, आप बताएं इनकी हाइट कितनी है? गुरु जी 5-7 के आसपास होगी। मुझे रखते हैं या नहीं रखते हैं? गुरु जी हल्के हल्के रखते हैं। ठीक है, आप ये बताएं इनकी आंख का जो कंचा है वो काले रंग का है या ब्राउन कलर का है? गुरु जी काले रंग का है। ठीक है, आप बताएं कान बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं? गुरु जी नहीं बड़े नहीं छोटे, ठीक है। ठीक है, खाने वाला मुंह बताएं बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। ये बताएं इनका नीचे का होठ थोड़ा मोटा है या ऊपर का होठ थोड़ा मोटा है? नीचे का मोटा है गुरु जी। ठीक है, रंग बताएं कैसा है, सांवला है या गोरा चिट्टा है?
गोरा है। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये तो हमेशा लोगों के कृपा के बारे में सोचते रहते हैं कि किसी का भला करूं तो कैसे करूं। जी लेकिन इनसे चिढ़ने वालों की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि इनके अफसर से लेकर नीचे वाले तक सब इनसे परेशान रहते हैं। जी यही बात है। और परेशानी भी इस बात की है कि ये सबका साथ नहीं देते हैं, ये अलग की बात करते हैं। कोई गलत कर रहा है तो गलत का साथ नहीं देंगे, ये किसी का साथ नहीं देते हैं और अपने आप में रहते हैं। जी लेकिन एक बड़ी बात तो और है इनके भाग्य में, इनके भाग्य में अभी कहीं पर ना जाने का योग लिखा है, कोई ट्रांसफर का योग लिखा है। हाँ जी, ट्रांसफर आने वाला है हमारा गुरु जी, ऐसी जगह आ जाए कि सब ठीक ठाक रहे। ऐसी जगह ट्रांसफर आएगा कि सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं जी, रहेगी। गुरु जी। जी। और एक और खुशी की बात बता दूं, जी इनकी ना एक तरक्की भी होने वाली है। अच्छा गुरु जी। लेकिन एक साल का समय लग जाएगा, 1 या 1.5 साल का समय लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इनके हाँ। और दूसरी बात यह है कि इनके ना बड़े बच्चे का नाम बता क्या है? अंश कुमार है जी। क्या करता है ये? पढ़ता है अभी तो, 4th में। ये बहुत इंटेलिजेंट है जी। ये भी आर्मी में जाएगा या पुलिस में जाएगा? जी गुरु जी। और ये ना बहुत ही, मतलब कहते हैं जैसे एक अलग थलग सा बच्चा है, अपनी मर्जी से पढ़ेगा, अपनी मर्जी से सोएगा, और पापा का तो बहुत ही लाडला है ये। जी हाँ गुरु जी, पापा का तो लाडला है। हाँ लेकिन बेटी एक तेरे बारे में एक बात बताऊं, तेरे भाग्य में 3 बच्चों का योग लिखा है। अच्छा गुरु जी। लेकिन तेरे पास तो 3 बच्चे नहीं है अभी। जी गुरु जी, 2 ही है, एक मेरा खंडित हो गया था। एक खंडित हो गया था, लेकिन हम खंडित की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बता कि तू मोटे होने लग गई कि नहीं होने लग गई? हाँ गुरु जी, मोटी होने लग रही जी। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी बेटी। जी गुरु जी। एक तो तुझे मीठा छोड़ना है बिल्कुल। जी गुरु जी। और 5 बजे के बाद नमक नहीं खाना है, साधारण खाना है, तला भुना भी नहीं खाना है। जी गुरु जी। नहीं तो तुझे सांस फूलने लगेगी, जैसे सांस फूल जाती है ना ऐसे होने लगेगी। हाँ गुरु जी। और एक और बात बताऊंगा, एक बात बता बेटी, तेरे घर में सबसे बड़ा कौन है? मेरे घर में मायके में जी। हाँ या तो ससुराल में? मायके में बेटा। मायके में तो जी मेरी, वैसे तो मेरे पापा है, पर पापा से बड़ी मेरी ताई जी है जी। ताई जी का तो टिकट आ रहा है। अच्छा जी। हाँ वो बहुत बीमार रहती है। बहुत बीमार रहती है, बड़ी कमजोर सी है, और हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, भगवान ही जाने। समझ गई जी गुरु जी। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तेरे को सपने में कौन रिश्तेदार नजर आता है बार 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 बार? गुरु जी रिश्तेदार मायके वाले भी आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं जी। ससुराल वालों में से कौन दिखाई देता है? गुरु जी इसकी ताई जी दिखाई देती है बच्चों की। क्योंकि एक बात जान ले, तेरे ससुराल में कोई तेरा दुश्मन नहीं है बेटी जी, लेकिन कोई तेरा अपना भी नहीं है जी। सही कह रहे गुरु जी। क्योंकि ऐसी बात सुनाई देती है, ऐसी बात दिखाई देती है कि जैसे कहते हैं ना कि अभी मुंह के सामने अच्छे और पीछे जाके फिर बुराई कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी ऐसा ही गुरु जी। लेकिन एक बात है बेटी, तेरा पति ऐसा नहीं है, तेरा पति अच्छा है जी गुरु जी। लेकिन तेरे पति की सरकारी नौकरी 2 बार लगनी थी। अच्छा गुरु जी। और दोनों बार उसकी आर्मी में नहीं, 1 बार किसी और डिपार्टमेंट में से मैसेज आना था, लेकिन शादी के बाद आना था। अब ये बता शादी के बाद क्या नौकरी लगी है इसकी? गुरु जी शादी से पहले ही आर्मी में। तो शादी से पहले ही है, शादी के बाद तो कोई जॉब नहीं लगी ना? नहीं गुरु जी शादी के बाद तो कोई जॉब नहीं। ये शादी के बाद एक पेपर देंगे या कुछ ऐसा जुगाड़ लगेगा जिसमें इनकी तरक्की हो जाएगी एक और बढ़िया वाली। अच्छा गुरु जी। और बेटे एक बात बता, तूने कोई काम करने के बारे में सोचा है क्या? गुरु जी मैं सोचती हूँ कि मतलब पार्लर का काम सीख लूँ या सिलाई वगैरह का। अब सोचना बंद कर दे और केवल पार्लर का काम शुरू कर दे और घर से ही शुरू कर दे। हाँ जी गुरु जी, घर से ही सोचती हूँ कि घर से ही कर लूँ, क्योंकि ये काम तुझे थोड़ा थोड़ा आता भी है।
हाँ गुरु जी आते हैं। हाँ जी, लेकिन एक बात तेरे अंदर और है, पता नहीं तुझे क्यों लगता है कि ये झंझट वाला काम है, ऐसा क्यों लगता है बेटी? गुरु जी जब घर का काम आ रही सोचती हूँ के रहने देती हूँ, बस नहीं होगा तेरे पे। ठीक है, अच्छा एक बात बता, जब तू बहुत छोटे थे लगभग 8-10 साल के थे, तुझे कुछ याद है तेरे साथ एक हादसा हुआ था? नहीं गुरु जी मुझे तो याद नहीं है। तेरे बाल काटे थे किसी ने, अच्छा गुरु जी, और उसकी वजह से तेरे सिर में ना तेरे को कभी कभी ऐसा लगेगा चक्कर आ रहे हैं। हाँ जी। और एक बात और बताऊंगा मैं तुझे, तेरे ना मसूड़ों की प्रॉब्लम रहेगी, जैसे मसूड़े ना अपने आप मसूड़े फूल जाएंगे, दर्द होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ दिक्कत होगी, कई बार ऐसा होगा। अच्छा, और जो ये छोटा बच्चा है इसका नाम मुझे बता क्या है? इसका नाम तो रुद्र है, रुद्र कुमार। इसके ना एक बार इसका सिर तेरे छाती में लगना था बड़ी जोर से, जैसे कि बच्चा गिरता है ना ऐसे जोर से लगना था, हाँ जी। और उसके बाद से तेरे कलेजे में दर्द हुआ करेगा। अच्छा, तू बेटे ध्यान रखा कर, बच्चे जब खेल कूद रहे हो तो तू लेटा मत कर, समझ गई? अच्छा गुरु जी, या अच्छा बच्चे ना गुरु जी। बच्चे छोटे वाले बच्चे में ना कूदने का बड़ा शौक रहेगा, वो तो जंप ले आकर हाँ, रहेगा, ये शरारती है थोड़ा। बहुत शरारती है, थोड़ा नहीं बड़ा शरारती है, उसको तो दिन रात 10-15 तो दिन में डांट पड़ी जाती है, चुप हो जा बैठ जाओ, लेकिन बैठता नहीं है। हाँ जी, शांत नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, उदम मत करता है सारे में। और एक बात है, क्या तुमने बेटी नहीं अपना घर बना लिया है कहीं पे? गुरु जी, सोच रहे हैं कि आपकी कृपा से कोई घर बना ले या जमीन ले ले जी। और इसी साल में बन जाए तो क्या खिलाएगी हमारी बेटी? गुरु जी आपको रबड़ी खिलाएंगे तेरा घर बनने का योग बन रहा है, जी। अच्छा गुरु जी, और तुम दोनों देखने जाओगे घर, अच्छा गुरु जी। लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं बनेगा। नहीं गुरु जी, यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पे बनाने की सोच हाँ रहे जी। वही बनेगा, हाँ जी, और ऐसा घर बनेगा लोग कहेंगे वाह क्या घर बनाया है, समझ गई? अच्छा गुरु जी, अच्छा वाला घर बनेगा, टल्लीदार। अच्छा गुरु जी। अच्छा एक बात बता, अभी तेरे पति बीमार पड़े थे क्या? किसी बात को बीमारी लग गई थी क्या इनको? कुछ तबीयत खराब थी हाँ क्या? गुरु जी, पिछले साल इन दिनों की बात है, उनको बीमारी हो गई थी जी कुछ। उनको बीमारी नहीं हुई थी, उनको कोई चीज चिपट गई थी। हाँ जी, वो 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहे, इसी चक्कर में रहे कि बोल रहे थे बोले इसका दिमाग का संतुलन हट गया, पर तो कोई हमने ये गांव में बता, दिखाया तो उन्होंने बताया था। तूने किसी से इलाज करवाया था या क्या करवाया था? क्योंकि गुरु जी इलाज कराया था। तो ये ठीक हुआ है उपाय से ही, हाँ जी और अब बिल्कुल ठीक है तेरा पति, जी लेकिन इनके एक कपड़े में अभी भी प्रॉब्लम है, और वो कपड़ा भी यूनिफॉर्म का है, अच्छा गुरु जी, हाँ जब जब वो उसको पहनेंगे गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, तनाव होगा, ऐसी बातें करेंगे उल्टी सुलटी, तो आपको बड़ा हैरानी होगी कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। जी गुरु जी, कोई उपाय उपाय बता दो तो। बताता हूँ बेटी, एक हाँ जी, तो तू मुझे ये बता कौन से भगवान को मानती है? माता रानी को जी। तू अपने घर में एक माता रानी की मूर्ति लेके आ, पीतल की या अष्ट धातु की, जी जिसके अंदर माता रानी के 8 भुजाएं हो जी जी और शेर पर बैठी हो गुरु और उनके हाथ में एक त्रिशूल जरूर हो, जी, जी गुरु जी, ऐसी मूर्ति ला के उसको कपड़े पहना के और उसके सामने रोज प्रसाद और फूल जरूर रखना है, जी गुरु जी, फिर जोत जलानी है, फिर तेरे पति के लिए तूने कुछ भी मांगना है तेरा पति फिर ठीक रहेगा, उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी गुरु जी। और एक बात बताओ, उन दिनों में तेरे पर भी प्रॉब्लम आई थी लेकिन पता नहीं तू तो ठीक हो गई, भगवान ने तेरी रक्षा की है बेटी। जी गुरु जी, उस टाइम मम्मी और मेरे बच्चे अकेले थे, बस पूजा ओके पाठ करती थी और एक आप बात, बड़े याद करते तेरे वजह से तो ठीक हुआ है, तूने तो थे ठीक गुरु जी। कराया जी जो जी जान लगा के, क्योंकि एक बात जान ले तेरे पति के सिवा तेरा कौन है इस दुनिया में, बता मुझे। गुरु जी, नहीं गुरु जी कोई नहीं है। और तूने ये भी देखा था जब इतनी मुसीबत आई थी तो कौन तेरा साथ दे रहा था? कोई भी नहीं दे रहा था, जी गुरु जी, जी लेकिन भगवान ने तेरा साथ दिया है बेटी। गुरु जी, और एक बात बता बेटी,
कि तूने मेरी जोत क्यों नहीं जलाई उन दिनों में, रात के 9 बजे जोत क्यों नहीं जलाई तूने मेरी। गुरुजी उस टाइम मैं आपको से जुड़ी नहीं थी, बीच में हट गई थी, तो फिर मेरी ननद ने बताया कि उनका प्रोग्राम आने लगा है, तू देख और बोले सुन उसको, तब से जुड़ी हूँ गुरुजी। रात के 9 बजे बेटी जोत जलाकर और जोत के बीच में थोड़ी सी चीनी डालकर। जी गुरुजी जलाती हूँ जोत तो मैं, अब आपकी अब तो जलाती है ना, मैं तो उन दिनों की बात कर रहा था जब परेशानी चल रही थी तू। हाँ गुरुजी उन दिनों में नहीं जलाई थी। हाँ अब तो तू जलाती है, अब तो तेरे घर में कृपा लगी है, और कृपा ऐसी लगी है कि आज तेरा फोन भी लग गया, देख कमाल की बात है। हाँ गुरुजी मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी जी। तेरा फोन आज लगना नहीं था, आज तेरे पर कृपा आई है स्पेशल। अच्छा गुरुजी। हाँ और हाँ। और तेरे ऊपर बड़ी कृपा आ रही है, भगवान की बड़ी मेहर आने वाली है। एक बात और सुन ले मेरी बात, ये जो हाँ। साल है ना ये तेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा गुरुजी। क्योंकि इस साल में एक वाहन भी आएगा घर में, जैसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल या कोई चीज आएगी घर में बढ़िया वाली। हाँ जी ये बोले थे कि नजदीक पोस्टिंग चले जाएंगे तो कोई गाड़ी लेने की सोच रहे थे। और एक बात बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ बताओ गुरुजी। तेरे घर में भी कोई खुशी आने वाली है, जहाँ की तू बेटी है ना वहां पर भी कोई खुशी आने वाली है। अच्छा गुरुजी। और खुशी भी तेरे भाई को नहीं तेरी बहन को आएगी किसी को क्या। अच्छा गुरुजी। और वो खुशी भी बढ़िया वाली रहेगी, जैसे कहने का मतलब है ऐसा लगेगा जैसे अपने ही घर में खुशी आ गई है क्या। अच्छा अच्छा गुरुजी। और कुछ पूछना है तो बेटी पूछ ले। गुरुजी जैसे बहुत गुस्सा करते हैं, इनको गुस्सा इतना क्यों आता है गुरुजी। बेटी मैंने कहा ना कि थोड़ा सा असर रह गया है। अच्छा। और वो एक वर्दी में है, जब ये वर्दी में ड्रेस पहनेंगे तब इनको बहुत ज्यादा कड़क गुस्सा आएगा, लेकिन तू चिंता ना कर सब ठीक कर देंगे गुरुजी। जी गुरुजी। वैसे गुरुजी हम सोच रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग कहीं नजदीक आ जाए, कोई उपाय बताओ गुरुजी जिससे कहीं अच्छी जगह आ जाए। कोई उपाय की जरूरत नहीं है, जब जोत के सामने बैठेगी तो हाथ जोड़ के बोला कर गुरुजी ऐसी पोस्टिंग करा दो पास में अच्छी वाली, ऐसे बोलेगी कि नहीं बोलेगी। जी बिल्कुल गुरुजी बोलो। लेकिन बंगाल में नहीं, कहीं आसपास में बोलो, घर के आसपास। हाँ गुरुजी देहरादून चंडीगढ़ अम्बाला या फिर गुरुजी दिल्ली ऐसी जगह सोच रहे थे। अरे ऐसी जगह आएगी खुश हो जाएगी, यूं कहेंगे गुरुजी ने तो हमारे दिल की बात सुन ली, क्योंकि आप जानते हो गुरुजी की बात दिल सुनता है, और जहाँ दिल बात सुनता है वहाँ कुछ भी दूर नहीं होता। आपके जीवन में भी है कोई समस्या तो आप अपने घर के बाहर गुरुजी शब्द लिखवाएं, अपने वाहन पर गुरुजी शब्द लिखवाएं, अपनी फैक्ट्री में गुरुजी शब्द लिखवाएं सफ़ेद कलर से, और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी की जोत जलाएं तो एक ऐसा प्रोविज़न है बिल्कुल सीधा साधा कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कृपाएं बनी रहेंगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे खूबसूरत चर्चा के साथ। नमस्कार। तुम्हें दिक्कत है ना, गलती होगी साहब जी। अरे साहब जी ने आंख उठाकर देख तो ले। अरे धारे तू, अरे कल तक तू साइकिल पंचर लाया करता, आज साहब क्यूकर बन गया। अरे सपना है दिखावा कौन है, यो तो आशु भाई गुरु जी की ज्योतिष विज्ञान का चाणस है। अच्छा और तब भाई मन ने भी ना चल गुरु जी ना दौड़ा मारा भी कि मैं उद्धार हो जाते हैं तो चल ना मेरे यार आ जा साइकिल छोड़ दे बैठ पाछे।